My dear students, welcome to Banik Smart Class. I am Pritam sir, faculty in aptitude. Today we will see some questions, tricks of some question which is based on your remainder theorem. आप सभी लोग को पता है कि remainder theorem में दो टाइप का हम remainder use करते हैं. One is your positive remainder. सेकेंड वन इज योर नेगेटिव रिमाइंडर. अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर या फिर नेगेटिव रिमाइंडर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा आंसर सेम ही आता है, बट जब भी कभी नेगेटिव रिमाइंडर में आंसर आ जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में आप कन्वर्ट करते हो. तो मुझे पता है कि आप लोग को ये सब चीज अच्छे से पता होगा. यू आर फेमिलियर टू दिस टाइप ऑफ रिमाइंडर्स. सो कमिंग टू दी क्वेश्चंस, हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपका 83 टू दी पावर 115 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 84. तो जो भी रिमाइंडर में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है 84 है, यहाँ पे कितना है 83 है, तो हमेशा ये 83 से 84 को भाग दे दो. अगर भाग दे भी देते हो आप, पॉजिटिव में कितना आ जाता है 83, नेगेटिव में कितना आ जाएगा -1. कैलकुलेशन इजी किसके ऊपर होगा, -1 के ऊपर होगा. तो यहाँ पे आ गया -1 रिमाइंडर, उसका पावर कितना है 115 प्लस यहाँ पे कितना है 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 84. -1 का पावर अगर ओड आ जाता है तो इसका मान कितना आ जाएगा -1 प्लस 12, दैट मीन्स 11, 11 आ गया. यहाँ पे कितने डिवाइड करोगे आप 84, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 11. सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 62 टू द पावर 117 प्लस 48 बाय 9. 62 से आप 9 को भाग दे दो तो 9 गुना 7 कितना आ गया 63. अगर 63 आ गया, यहाँ पे 62 है, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया -1 टू द पावर 117 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 9. -1 टू द पावर ऑड -1 प्लस 48 बाय 9, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 47/9. यहां पे अगर डिवाइड करते हो 9 गुना 5 कितना आ जाएगा आपका 45. तो 45 आ गया, 47 से अगर 9 को आप डिवाइड करते हो 9 गुना 5 आ गया 45, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया 2. क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या दिया हुआ है 27 टू द पावर 23 प्लस 23 प्लस 19 टू द पावर 23 बाय 23. मैं फिर से लिख लेता हूं 27 पावर 23 प्लस 23 प्लस 19 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 23. इसका रिमाइंडर क्या आ गया, क्या आएगा उसको पूछा है क्वेश्चन में. देखिए अगर हम यहां पे कितना आ गया 27 है, यहां पे कितना है 23 है. अगर आप डिवाइड करते हो 27 से 23 को डिवाइड करते हो तो यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा. कितना आ जाएगा ना प्लस 4 आ जाएगा, तो प्लस 4 टू द पावर 23 आ गया. यहां पे तो 23 है, यहां पे 19 से 23 अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा. आप बोलोगे सर -4 आएगा, हाँ कि ना. इसके साथ आप क्या डिवाइड करोगे 23, अभी बताओ. यहां पे प्लस 4 का पावर 23 है, यहां पर -4 का पावर 23 है, ये आपस में कट जाएंगे, हाँ कि ना बोलो. तो यहां पे क्या रह गया 23 आ गया. 23 से आप 23 को भाग दे दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना 0 आ जाएगा. समझ पा रहे हो, तो 23 से अगर 23 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका ना 0 आ जाएगा. क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है. क्या अलग है यहां पे देखो, 888 है, पावर कितना आ गया आपका 222 है, प्लस यहां पे दो तीन बार लिखा हुआ है 8, यहां पे तीन बार है, डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड करते हैं हम ना 5 को डिवाइड करते हैं. कॉन्सेप्ट इज सेम माइंड योर स्टूडेंट्स. 888 में अगर आप 5 को भाग देते हो
तो क्या रिमाइंडर आएगा, पांच गुना एक, तो यहाँ पे आ गया तीन, फाइव इंटू सेवन 35, यहाँ पे आ गया 38, फाइव पांच गुना सात 35, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर कितना आ गया ना, तीन आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना, 3 to the power 222 लिख सकते हैं। यहां पर क्या आ गया, 222 के साथ कितना डिवाइड करेंगे ना, पांच, पांच गुना चार 20, 22, पांच गुना चार 20, रिमाइंडर कितना आ गया 2, पॉजिटिव रिमाइंडर हम निकल रहे हैं। तो यहां पे आ गया क्या ना 2 आ गया, पावर कितना है यहाँ पे ना 888 है, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे ना 5। अभी आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 3 to the power 222 है, हाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 3 to the power 4, 5 20, 22, 4, 5 यहाँ पे कितना आ गया 3 to the power 4 to the power 55, 55 into 4 220 आ गया, और कितना बच गया 2, इसको इस तरह से लिख लो 3 to the power 2 लिख लो, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5 प्लस, यहाँ पे सेम मेथड अप्लाई करो, 2 आ गया तो 2 to the power 4 पावर कितना आ जाएगा 4 गुना 2 आ गया, डिवाइड बाई यहां पे कितना आ जाएगा ना 5, क्लियर। तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 to the power 4 to the power 55, इसका मान कितना आ जाएगा 3 to the power 4 81, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 81 से आप 5 को डिवाइड करो, 5 गुना 16 80, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बच गया 1 to the power something आ गया 1 into 9, दैट मींस 9/5 आ गया, प्लस यहां पर कितना आ गया 2 to the power 4 16, 16 मतलब 5 गुना 3 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 1 to the power 222 मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 5, यहां पे कितना आ जाएगा 10, अगर 10 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 दुनी 10, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 5 दुनी 10, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे तरीके भी पूछ लेता है, डायरेक्टली ना देकर ऐसे कन्वर्सन वाला भी पूछ लेता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। और एक क्वेश्चन देखेंगे कि यहां पर पूछा गया है कि 3 to the power 41 plus 7 to the power 82 इज नॉट डिवाइडेड बाय, माइंड स्टूडेंट हम लोग को क्या पता है x to the power n plus a to the power n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x plus a, वेयर n इज n ऑड नंबर, यह हमको पता है। बट यहां पे 41 है, यहां पे 82 है, अलग अलग है, तो उसको हम क्या करेंगे ना सेम कर देंगे, कैसे ना 7 to the power 82 को हम ऐसे लिखेंगे 7 to the power 2, पावर आ गया 41, तो यहां पे आ गया आपका 3 to the power 41 plus 49 to the power 41 आ गया आपका x to the power n plus a to the power n डिविजिबल बाय x plus a, वेयर n इज एन ऑड नंबर, n आ गया आपका ऑड, तो x plus a का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 plus 49, दैट मींस सर 52 के साथ ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके साथ नहीं होगा, तो यहां पर 52 के साथ अगर डिवाइड हो जाता है तो 26 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, 13 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, 26 into 2 52, 13 into 4 equal to 52, 4 into 13 equal to 52, तो ये सब के साथ तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉट डिवाइडेड बाय, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ना 3 आ जाएगा आंसर। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिए 23 to the power 10 minus 1024 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आप लोग को पता है कि x to the power n minus a to the power n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x minus a, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ये आपको पता है n इज एनी नेचुरल नंबर। और एक क्या है ना, x to the power n minus a to the power n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x plus a, वेयर n इज इक्वल टू इवन नंबर। तो ये दो चीज
अप्लाई हो सकता है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के केस में। तो यहां पे कितना हुआ है, 23 का पावर 10 माइनस 1024। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 का पावर 10, 1024 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 10। तो यहां पे क्या आ गया, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, n ऑलरेडी इवन नंबर है, तो ये किसके साथ डिवाइड हो जाएगा ना, एक तो ये x माइनस a के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस 23 माइनस 2 21 के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, n ही नेचुरल नंबर है। और किसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा ना, x प्लस a के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्यों, n क्या है ना, इवन नंबर है, यहां पे भी n क्या है, इवन नंबर है, तो ये किसके साथ डिवाइड हो जाएगा ना, 23 प्लस 2 दैट मींस 25 के साथ भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 21 के साथ डिवाइड हो जाएगा और 25 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 21 के साथ डिवाइड हो जाता है तो 3 के साथ भी हो जाएगा और 7 के साथ भी ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 25 से डिवाइड हो जाता है तो 5 के साथ भी ये डिवाइड हो जाएगा। बच गया क्या आपका ना, 4 ही बच गया, तो इज नॉट डिविजिबल बाय, योर आंसर इज 4। इज दैट क्लियर? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस टाइप ऑफ माइंड ट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।